हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट आपने फिजिकल क्लास में 7.1 के क्वेश्चन कर लिए थे, अवकलन के सामान्य सूत्र भी देख लिए थे और उस पर आधारित 7.1 के क्वेश्चन भी किए थे। आज हम इसका 7.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें 6 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स वाले होंगे यहाँ पर, इसमें 1/√1 माइनस x स्क्वायर d ओवर dx cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर d ओवर dx tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर d ओवर dx cot इनवर्स x, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स के डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो 1/√x² -1। अगर मपांक एक्स नहीं लगाना, सीधा एक्स लिखना है, तो यहां पर जो एक्स रहेगा मपांक ग्रेटर देन रहेगा किससे, 1 से, अगर आप यहां पर मपांक नहीं लगाते, यहां पे इस फॉर्मूले में मापांक लो, डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/ मापांक एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो इसमें हमारे काम में, ये पहले भी आपको बताई थी फिजिकल क्लास में, लेकिन एक बार और नोट कर ले, 7.2 इसी पर ही। अब इसे देखते हैं क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे, जो भी एक्स दिया है उसमें जिस प्रकार से फंक्शन दिया है उस पर हमें एक्स इक्वल साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक उसके हिसाब से हमें उसमें पुट करना है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना है। देखो फर्स्ट देखते हैं, निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो x के सापेक्ष अवकलन ही करना है, तो इसमें दिया है फर्स्ट का ये साइन इनवर्स रूट 2x रूट 1 माइनस x के, 2x रूट 1 माइनस x के, ये क्या फंक्शन हमें यहां पर, तो मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन देखते हैं इनका, तो जो भी हमें यहां पर दिया है उसको किसके इक्वल मानेंगे, y के इक्वल मान के देंगे, तो माना y इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब आपको यहां पर जो हमने सेकंड चैप्टर किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हमें ये फॉर्मूले देखे थे इस प्रकार के, ठीक है, तो उसमें जो इस प्रकार के फॉर्मूले देखे थे उसके हिसाब से ही आपने यहां पर वैल्यू रखनी है, तो क्या रखते हैं, x इक्वल साइन थीटा, माना x इक्वल साइन थीटा, या ये लिख सकते हो x इक्वल साइन थीटा रखने पर, तो दोनों तरफ इनवर्स लेते हैं, यदि हम क्या लेते हैं दोनों तरफ इनवर्स, तो साइन इनवर्स x और इस साइड क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स साइन थीटा। तो अब आपको यहां पर प्रॉपर्टीज पता है, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, तो यहां से थीटा इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, जो कि हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे इसकी, पहले क्या करते हैं एक्स इक्वल साइन थीटा पुट करने पर, वाई इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या पुट किया x इक्वल साइन थीटा, आपको बताया है यहां पर फॉर्मूले के हिसाब से आपने वैल्यू पुट करनी है, x इक्वल साइन कोस टैन कोट जो भी यहां पर फॉर्मूले से देखने पर पता लगाओगे, ठीक है। अब यहां पर y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा रूट में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में
वन, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है इधर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, रूट में है कोस स्क्वायर थीटा तो रूट से बाहर निकालेंगे तो y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, रूट में कोस स्क्वायर का रूट से बाहर कोस ये पावर आती बाहर है। अब यहां पर ये हमें पता है किसका फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो यहां से इसकी वैल्यू रख देते हैं क्या आ जाएगा यहां पर sin y पर sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहां पर sin इनवर्स sin x, साइन इनवर्स साइन एक्स हमें पता है किसके इक्वल होता है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 थीटा, तो वाई इक्वल हमारा क्या आ गया 2 थीटा। थीटा की यहां पर वैल्यू रख दो तो यहां से वाई इक्वल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। अब उसने क्या x के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहां से सिंपली x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का, यहां x के सापेक्ष अवकलन करने पर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहां ये लाइन लिख सकते हैं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना। तो देखो यहां पर dy upon dx, तो d over dx 2 sin inverse x। अब यहां पर 2 जो है अचर पद है तो इसको आगे ले जाते हैं 2 d over dx sin inverse x, तो अब हमें d over dx sin inverse x पता है किसके इक्वल होता है 1 upon root 1 minus x square, तो क्या आ गया 2 upon में root 1 minus x square dy over dx, तो ये इसका क्या हो गया x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां ब्रैकेट में इसके लिख दोगे क्योंकि d over dx sin inverse x equal 1 upon root 1 minus x square। नेक्स्ट है b पार्ट दिया है इसमें, बी पार्ट में बोलता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मान लेते हैं माना y इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। अब यहां पर देखने पर ही पता चलना चाहिए कि x इक्वल हम क्या पुट करें, देखो सिंपल से जी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, sin इनवर्स है तो यहां भी sin ही लेते हैं क्योंकि sin इनवर्स sin x किसके इक्वल हो जाएगा x, तो देखो यहां पर माना x इक्वल sin थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल क्या आ जाएगा sin इनवर्स x, दोनों तरफ sin इनवर्स लोगे तो ये sin इनवर्स sin थीटा sin इनवर्स sin x x के इक्वल हो, तो y इक्वल sin इनवर्स x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब ये किसका फार्मूला होता है sin 3 थीटा का, तो y इक्वल sin इनवर्स sin 3 थीटा, वही प्रॉपर्टी बन गई sin इनवर्स sin x किसके इक्वल होता है x के, तो y इक्वल क्या आ गया sin y इक्वल 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल क्या आ गया 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy over dx d over dx 3 sin inverse x, अब यहां से 3 अचर पद है तो 3 d over dx sin inverse x,
डी और डी एक्स आई इनवर्स एक्स क्या होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में थ्री अपॉन रूट वन माइनस एक्स। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों में जो भी x वगैरह दिया उसकी वैल्यू पुट करोगे और उसको जो भी यहां पर फंक्शन दिया है साइन इनवर्स दिया है तो इसको पूरे को साइन में चेंज करोगे, कोस इनवर्स दिया है तो इसको कोस में चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x के, कोस इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस वन से वन, ये हमें पता है कोस आ गया था, कोस में एक्स किसमें बिलोंग्स करेगा माइनस वन से वन। तो देखो यहां पर माना वाई इक्वल कोस इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पूरे किसके इक्वल मान लिया वाई के। अब यहां पर देखने पर ही पता चलना चाहिए एक्स की क्या वैल्यू पुट करें, साइन पुट करें तो टू साइन अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास, टू कोस अपॉन में वन प्लस कोस स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर x इक्वल क्या पुट करेंगे, माना x इक्वल टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स x, तो y इक्वल कोस इनवर्स, यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे टेन थीटा, तो टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर यानी 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल में क्या होता है यहां पर 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हमारे फॉर्मूले किए हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहां पर y इक्वल cos इनवर्स क्या गया साइन टू थीटा। अब यहां पर कोस इनवर्स है यहां पर साइन है, तो इसको भी साइन टू थीटा को भी किसमें चेंज करेंगे कोस में, क्योंकि साइन थीटा इक्वल लिख सकते हैं कोस पाई बाय टू माइनस थीटा, कोस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इस प्रकार से चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पाई बाय 2 में से माइनस करें ये चेंजर लाइन है, तो कोस किस में चेंज होता है साइन में, और कोस इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका होता है प्लस का, सारे का प्लस ही होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा से इसको चेंज कर लेते हैं, तो y पर कोस इनवर्स कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहां पर क्या वैल्यू दी है 2 थीटा, तो क्या गया cos इनवर्स cos pi by 2 minus 2 theta। अब यहां पर हमारी पैसिव प्रॉपर्टीज बन गई cos इनवर्स cos x, तो यहां से cos इनवर्स cos x किसके इक्वल होता है x के, जब x बिलोंग्स करेगा किसमें माइनस वन से वन के, तो y इक्वल pi by 2 minus 2 theta, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इक्वल क्या है tan इनवर्स x, तो y इक्वल पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy ओवर dx इक्वल में d ओवर dx पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो d ओवर dx pi by 2, pi by 2 का अवकलन अलग से करेंगे और 2 tan इनवर्स x का अलग से, यहां पर क्या लिखेंगे माइनस d ओवर dx 2 tan इनवर्स x pi by 2 d ओवर dx pi by 2, अचर पद है, अचर पद का अवकलन कितना होता है 0,
माइनस, अब यहां पर ये टू अजर पता है ये तो आगे आ जाएगा, इनटू में डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है अपन वन अपॉन वन प्लस एक्स क्या, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस टू अपॉन में वन प्लस एक्स क्या, ये इसका क्या होगा आउटपुट। सिर्फ ये किस बात पर निर्भर करेगा कि आपने x की वैल्यू क्या पुट की, और x की वैल्यू आपने इस प्रकार से पुट करनी है कि यहाँ cos इनवर्स है तो हमारे पास यहाँ से cos प्राप्त हो, यहाँ पर हमारे पास sin प्राप्त हो, sin को किसमें चेंज कर लिया था cos। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बी पार्ट में दिया है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1, x बिलोंग्स कर रहा है किसमें 0 से 1, तो देखो यहां पर पहले तो मान लेंगे माना y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स करता है 0 टू 1, 0 टू 1, नहीं इसमें 0 आएगा और नहीं इसमें 1 आएगा। अब यहां पर इसमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास cos प्राप्त हो जाए, अब हमें पता है cos 2 थीटा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैसे तो इसके और भी फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहां पर आइडेंटिटी क्या बन रही है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या पुट करते हैं माना x इक्वल tan थीटा, x इक्वल tan थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल tan इनवर्स x, दोनों तरफ tan इनवर्स लेंगे तो tan इनवर्स x tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x की वैल्यू हम लोग कितनी होगी थीटा, यहां पर पुट करते हैं तो y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा, तो y इक्वल cos इनवर्स cos x, x ही आ जाएगा इक्वल में 2 थीटा, तो y इक्वल थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2 tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर dx d ओवर dx 2 tan इनवर्स x, 2 यहां पर अजर पर है तो ये आ गया जाएगा 2 d ओवर dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x d ओवर dx क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x क्या, तो 2 इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x क्या, तो dy ओवर dx यहां से हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस x क्या, इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो इस प्रकार से इसके जो भी क्वेश्चन है सिर्फ इस वैल्यू पर ही होंगे भी x की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।